हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। गाइस, आज 20 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट डे जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस हैं ये, तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रख सकते हो। इसका 5 क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में, 5 क्वेश्चन और थर्ड स्लाइड में 10 क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुन चुन के मैंने यहाँ पर लिए हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद में बाजू के 10-20 क्वेश्चन आपको अलग से उसमें से लगाने हैं देख के, क्योंकि एसएससी ने एक ट्रेंड बनाया हुआ है। डीसीएस से एक ट्रेंड से क्वेश्चन पूछ रहा है और 4 तारीख से हम लोग देख रहे हैं जो एक क्वेश्चन वो पकड़ रहा है उसके बैकग्राउंड में जितने भी क्वेश्चन बढ़ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन वो करवा रहा है। तो एक ट्रेंड पकड़ के चल रहा है डीसीएस, ये नहीं कि एक यहाँ से एक वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले रहा है, फिर भी वो ट्रेंड को आप लोग देखो। एक क्वेश्चन जो उसने पूछ लिया है उस क्वेश्चन के हिसाब से चलो। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक ओवरऑल आपको बता दूं, एग्जाम आ रहा है अभी तक का जो रिव्यू है 4 तारीख से लेके अभी 7, 8, 9, आज 9 तारीख हो गई है अभी तक का, तो एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट आपका नहीं आ रहा है। आपकी रीजनिंग इजी आ रही है, इंग्लिश इजी आ रही है, ठीक है, रीजनिंग इंग्लिश इजी है। बचता है जीए और मैथ्स, तो मैथ्स थोड़ा सा लेंथी आपका आ रहा है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, टाइम टेकिंग है। और बात आ रही है जीए की, तो जीए 50% आपका बहुत इजी आ रहा है और 50% में थोड़ा सा ट्रिकी करने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल ऑल एग्जाम सिर्फ उस 50% और मैथ्स के वजह से मॉडरेट लेवल में जा रहा है, नहीं तो एग्जाम आपका इजी ही चल रहा है, ठीक है। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। बैकग्राउंड में क्या चीज़ें पढ़नी है खाली वो थोड़ा सा मैं आपको बताते बताते चलूंगा। तो आज पूरा संडे है, आपका यही काम है कि 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बैकग्राउंड के 10-10 क्वेश्चन आपको निकाल के 200 क्वेश्चंस आज आपको प्रिपेयर करने हैं जीए के लिए, अगर नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाले शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के किसी मेंबर को हटाने का अधिकार किसके पास होता है। अब ये नहीं कि ये क्वेश्चन रिपीट होगा, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लोकसभा के मेंबर से अगर इसने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है तो आने वाले सभी शिफ्ट में ये आपसे लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूरे पूरे पूछने के चांसेस रखता है, ठीक है। तो इसके बैकग्राउंड में आप क्या पढ़ोगे, पूरा लोकसभा का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होता है, लोकसभा स्पीकर के क्या अधिकार होते हैं, प्रेसिडेंट का क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त तो सत्र कौन बुला सकता है, अध्यक्षता कौन करता है, तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, लोकसभा के मेंबर का एज कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखनी रहेगी। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो वोल्टा इसका आंसर है, ठीक है। कोई और बैटरी पूछी हो गई तो वो अलग बात है, उसका आंसर फिर बदल जाएगा। बैटरी मुझे पता चला कि बैटरी का आविष्कार किसने किया, ये क्वेश्चन आया था, तो वोल्टा इसका करेक्ट आंसर है। अब आविष्कार से ये क्वेश्चन बन रहा है, इसके अलावा और 2-3 क्वेश्चन आए थे आविष्कार से, मैंने एक ही क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है आविष्कार का क्वेश्चन। तो आपके पास किरण पब्लिकेशन है तो उसके लास्ट में सेक्शंस में जाओ, वहाँ पर आविष्कार का एक अलग से सेट दिया हुआ है उन्होंने, उसमें 50-100 क्वेश्चन है, तो वो पूरे क्वेश्चन आप लोग लगा लो या फिर गूगल पे जाके लो वहाँ से, या फिर जिस भी तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो नोट्स बना के रखे हैं तो वहाँ से आपको आविष्कार के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चन आज कर लेने हैं। थर्ड नंबर पे है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों शिफ्ट में भर भर के क्वेश्चन पूछा है उसने, गोल्डन टेम्पल किसने बनवाया था, तो 5th गुरु थे गुरु अर्जुन देव, ठीक है। उसके अलावा और क्वेश्चन पूछे गए थे, अपना ये ताजमहल किसने बनाया, किसके शासनकाल में बना था, तो शाहजहां के। तो उसके अलावा और क्वेश्चन था जामा मस्जिद, लाल किला, तो ये 2-3 क्वेश्चन वहां से भी हुए थे। तो जिसने जिसने जो भी अब कुतुब मीनार पढ़ लो, चार मीनार पढ़ लो, यानी जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो किसने बनवाया है, ये इसके बैकग्राउंड में आपको पढ़ना है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए, सॉरी वो ऑप्शन बी एक्स्ट्रा काउंट हो गया वहाँ पर, ऑप्शन इसमें सिर्फ ए है, ये बी को कट कर लो आप लोग, ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, इसके पहले वाले शिफ्ट में भी क्वेश्चंस हुए थे, उसमें भी पूछे गए थे क्वेश्चंस, क्या पूछ रहा है, विटामिन की कमी से होने वाली, अब हो सकता है अगली बार बेरी बेरी पूछ ले आपको, या फिर विटामिन सी से होने वाली बीमारी, विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी पूछ ले, तो बीमारी ये लोग पूछ रहे हैं विटामिन से, ये समझो कि विटामिन से क्वेश्चन आ रहा है, तो किस विटामिन किस चीज़ के लिए होता है ये आपको पढ़ के रखना है, बस 8-10 क्वेश्चन के बैकग्राउंड के आप लोग लगा के रख लेना है। 5th क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द रामचरितमानस, बहुत इजी क्वेश्चन था, तुलसीदास आंसर है। एक और क्वेश्चन आया था बुक से रिलेटेड, तो बुक्स एंड ऑथर, जो फेमस बुक्स है, अभी करंट बुक से तो नहीं पूछा इसने, जो पुरानी बुक्स है उसमें से पूछा, तो पुरानी जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, उसके अलावा मुगल काल की जो बाबरनामा है और अलग अलग राजा के शासनकाल में जो बुक है, उन बुक से क्वेश्चन आप लोगों को कर लेने हैं, बुक और ऑथर किसने लिखा है, कोई बुक गुलवर्धन बेगम ने लिखा है, कोई बुक खुद राजा ने ही खुद के लिए लिखा हुआ है। 6th क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पर आ गए हैं,
और इसको स्टार लगा लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन अभी तक इसमें से पूछ लिया है, कल की शिफ्ट में भी लगभग 1 से किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आए हैं डेज के ऊपर। 23 मार्च इसका आंसर है, डेज पूछ रहा है, बहुत सारा डेज पूछ रहा है ये, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन है, उसके पहले वाले शिफ्ट में भी पूछा और आने वाले शिफ्ट में भी पूछेगा। फर्स्ट इन वुमन पूछ रहा है, डेज पूछ रहा है, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, डांसेस, ये सारी चीज़ें उसने ट्रेंड पकड़ लिया है और एकदम रस्सी पकड़ के झटकते चल रहा है वो, और आखिरी शिफ्ट तक जो ट्रेंड उसने बनाया है शायद वो वहाँ तक चलेगा और पूछते रहेगा। तो आपको याद कर लेना है, किरण पब्लिकेशन फिर से बोल रहा हूँ मैं आपके पास है, तो डेज के लिए भी स्पेशल सेक्शन उन्होंने लास्ट में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप रट लो। 7 नंबर और 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसके पहले उसने नहीं पूछा था लेकिन लास्ट डे की परसों की शिफ्ट में उसने पूछा है, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। सेंसस 11 के हिसाब से कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, तो इसका आंसर है यूपी। ठीक है, स्टेट पूछा है, शहर नहीं पूछा, सिटी नहीं पूछा, तो ये दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज नहीं होना है। जब हम लोग सेंसस पढ़ते हैं 11 का तो बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट के मामले में अलग चीज़ें होती हैं और उसके बाद में शहर के मामले में, डिस्ट्रिक्ट के मामले में अलग चीज़ें होती हैं, सिटी के मामले में अलग चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ों पर आपको गौर करना है, थोड़ा कन्फ्यूज करेगा, लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछ रहा है वहाँ से तो आपको करना ही है। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा था कि सबसे कम पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है, ठीक है, आगे वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो सेंसस भी आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो सेंसस वहां से उठा के पढ़ लो 2011 का, 1 क्वेश्चन पूछा है मतलब आगे भी पूछेगा। 8वां क्वेश्चन है, तो शुरू से मैं आपको बोल रहा हूँ कि डांस के साथ साथ आपको सारी डायनेस्टीज पढ़ के रखनी है, मुगल शासन पढ़ के रखना है और हिस्ट्री भी पढ़ के रखना है, पूरा सीक्वेंस वाइज आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन था पहला मुगल शासक कौन था, तो पहला मुगल शासक बाबर था, 1526 में था इसका कार्यकाल शुरू हुआ। अब इसका कार्यकाल खत्म होने के बाद में इसके बाद कौन आगरा राजा बना, हुमायूं। तो एक सीक्वेंस है, बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, उसके आगे आगे फिर चलते रहेगा धीरे धीरे, सलीम रहेगा, जहांगीर रहेगा, औरंगजेब रहेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते रहेंगे आगे। और वो उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन, सलीम से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, आगे पढ़ता हूँ, पहले चलते सीक्वेंस से ही चलेंगे हम लोग। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसके पास देता है, तो इसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब प्रेसिडेंट से और रेजिग्नेशन लेटर अपॉइंटमेंट, यहाँ से समझो आप, आपको पढ़ना क्या है, प्रेसिडेंट का नाम आ गया है तो प्रेसिडेंट का पहले तो आप सारी चीज़ें पढ़ लोगे, किस आर्टिकल में आता है, उसकी नियुक्ति किस हिसाब से होती है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती है। सेकेंड नंबर रेजिग्नेशन, अगर ये बता रहा है कि प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन लेटर अपना किसके पास देता है, रिजाइन करता है, तो वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट अगर हट जाता है तो उसकी गद्दी कौन संभालता है एक निश्चित कार्यकाल के लिए, तो वाइस प्रेसिडेंट संभालता है। इसी तरह कोर्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर्स कौन किस तरह से सिलेक्ट होते हैं, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं इसके अंदर। ठीक है, लोकसभा बताया था, प्रेसिडेंट बताया, बीच में राज्यसभा बचता है, राज्यसभा भी कर लो क्योंकि ट्रेंड बन रहा है कि वहां से भी अब बीच में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अब 3-4 दिन के एग्जाम बचे हुए हैं 13 तारीख तक आपके। 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में उनका कार्यकाल कौन संभालता है। अब प्रेसिडेंट नहीं रहा तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो उनका कार्यकाल सीजीआई संभालते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये भी क्वेश्चन पूछा था पिछली शिफ्ट में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो रंजन गोगोई। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो अपने ट्रेंड में ही घूम रहा है, पहले चीफ जस्टिस पूछा था, अब चीफ जस्टिस का एक तरह से काम यहाँ पर पूछ लिया है कि अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो कौन उनका कार्यकाल संभालेगा। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब ये 10 क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका फोटो क्लिक कर लो। अब हु इज सलीम, यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज सलीम, सलीम कौन था, तो सलीम को ही हम लोग जहांगीर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में जहांगीर होगा तो जहांगीर था, या फिर उसके बाप का नाम होगा तो फिर बाप का नाम रखना है कि उसका बेटा था। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन था, हुमायूं के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो इसका आंसर है अकबर। सबसे कम उम्र में गद्दी इन्होंने संभाली थी, अकबर का नाम याद आ गया तो आपको हल्दीघाटी का फाइट याद करनी है, जो उनके सेनापति थे उनका नाम याद रखना है, पानीपत की फाइट आपको याद रखनी है। चलो आगे चलते हैं। फाइट से याद आया कि जितने 3-4-5 फाइट इंपॉर्टेंट है वो सारे फाइट पढ़ लो, फाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजों की और जो फाइट हुई थी मुगलों के साथ में, उनसे 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसके पहले जो टेराइन की फाइट हुई होगी, पानीपत की जो फाइट हुई, घाघरा की फाइट हुई, ये सारी जितने फाइट हुए हैं ये आपको याद कर लेने हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया। देखो अभी पीछे हमने देखा था कि बैटरी का आविष्कार किसने किया, यहाँ पर एक्सरे पूछा है, तो वी सी रॉन्टजेन इसका आंसर होगा।
तो बाकी चीजें भी इसमें जो हैं आविष्कार वाली वो इंपॉर्टेंट सब आप लोग पढ़ के रख लो। 50 नंबर का क्वेश्चन है, जामा मस्जिद, लाल किला और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था या फिर किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका भी आंसर है शाहजहां। और इसके साथ साथ आप ये पढ़ सकते हो कि आर्किटेक्चर का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो आई थिंक शाहजहां के काल को कहा जाता है। इसी तरह आप बोलोगे कि पेंटिंग ड्राइंग का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो लगभग सलीम के बारे में है कि सलीम के टाइम पे अपने उरूज पर पहुंची थी पेंटिंग उस टाइम पे, तो ये याद रख लो आप लोग दोनों चीज़। 16 नंबर पे है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर है तनहाई समथिंग, ठीक है। तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर कुछ होगी, तो आप लोग समझ लो। देखो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर सेम ट्रेंड से किस तरह से दो क्वेश्चन एक ही टाइम पे पूछा उन्होंने, ठीक है, एक ही टाइम पे दो क्वेश्चन पूछा। तो अब यहाँ पर लंबी नदी पूछ ली है, तो नदी से रिलेटेड आपको याद रखना है, और कोई अलग नदी होगी जिनकी कुछ खास स्पेशलिटी होगी, कुछ खास खासियत होगी एशिया की नदी और इंडिया की नदी में, तो वो आपको पढ़ो। कौन सी नदी किस तरफ बहती है, कहाँ पर गिरती है, कौन सी खाड़ियों में गिरती है, वो आप लोग पढ़ लो, नदी से क्वेश्चन बन रहा है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, सेंसस 2011 विच सिटी इज लीस्ट पॉपुलेटेड। देखो अभी मैंने कहा था आपको सेंसस से क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सिटी पूछा है स्टेट नहीं पूछा है, तो कपूरथला इसका आंसर है जो कि पंजाब में लोकेटेड है। 19 नंबर का क्वेश्चन, 23rd मार्च कौन सा दिवस है, देखो डेट्स पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, 23rd मार्च पूछा है, अभी लास्ट हमने पढ़ा है कि 22nd मार्च को क्या था बिहार दिवस के बारे में, अभी 23rd मार्च, तो यहाँ पर शहीद दिवस मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने नेपाल को कितना कर्ज दिया था, तो $340 मिलियन इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ये थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चन इसने खींच के पूछ लिया है, शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने ये चीज़ पढ़ी होगी कि किसने किसको कितना कर्ज दिया हुआ है, तो इसको अभी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है सारे क्वेश्चन करने के बाद में, तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आगे और क्वेश्चन ये पूछेगा इससे रिलेटेड कि भारत ने किससे कितना कर्जा लिया है या कितना दिया है। ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक से पूछ लिया जाए, ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़ना है अगर आपको तो वर्ल्ड बैंक से पूछ सकते हो। इसके अलावा केमिकल फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है, आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन कर लेने हैं, फुल फॉर्म से, क्योंकि जीपीएस का फुल फॉर्म पूछा था, तो जीपीएस का फुल फॉर्म पूछा था, तो किसी और चीजों का भी फुल फॉर्म पूछ लेगा, दो कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपको पढ़ लेने हैं, हेडक्वार्टर्स पढ़ना है, अवार्ड्स पढ़ना है, अवार्ड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो करंट में हो रहा है, वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ लो, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में वर्ल्ड कप से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, और कोई न्यूज़ होती है तो लेके तुरंत मैं आ जाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि उसी से आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।